हेलो फ्रेंड, आज हम आपके लिए मसाला डोसा बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने दाल ली है। दाल मुझे सफ़ेद नहीं मिली, काली उड़द की दाल मिली है, वही मैंने यूज की है। एक कटोरी भर के है ये वाली एक कटोरी, और तीन कटोरी चावल है, ये तीन कटोरी मिला के चावल डाले गए हैं। अब हम इसे, हमने इसे दो चार घंटे से भिगो के रख दिया था। अब हम इसे पीसेंगे। ध्यान रखना, ये दाल अलग पीसनी है और ये चावल अलग पीसने हैं। ये दोनों चीज़ें अलग अलग रखनी है। ये हमने दाल पीस ली है, इसमें थोड़ा पोहा डाला है। देखिए, ये हम अपने डोसे का बैटर पीस रहे हैं। ये हमारे मसाला डोसा का बैटर तैयार। ऊपर चावल भी इसी दाल में मिला देंगे। दाल के साथ ही मिला देंगे। देखिए फ्रेंड, ये चावल हमारे पिस गए हैं। दाल और चावल एक साथ मिक्स कर दिए हैं, उड़द की दाल और ये चावल। आप दोस्तों कम से कम 8 घंटों के लिए इसे ढक देंगे, ढक के रख देंगे। अच्छी तरीके से चला देते हैं। देखिए, अभी 7-8 घंटे तक ढकते रख देते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमने सांभर बनाने के लिए अरहर की दाल धो ली है। अब हम इसमें डालते हैं। दोस्तों, इसकी सब्जी अलग से बना के डालेंगे। इसके लिए हल्दी, नमक, कच्चा आम, ये सब डाल के उबाल लेते हैं। और बनाने के लिए हमने सब्जी ली है, तुरई, भिंडी, गाजर, ये हम अलग से फ्राई करके उसमें डालेंगे। इसके लिए हम सांभर बनाने के लिए, सांभर की सब्जी बनाने के लिए तेल डाल रहे हैं। और ये जीरा, इसके लिए गैस सिम रखनी चाहिए। अब दोस्तों हम इस प्याज डालेंगे। अब थोड़ा तेज करते हैं। थोड़ी राई, कड़ी पत्ता, ये सांभर में पड़ने से और भी स्वादिष्ट हो जाएगा, खुशबू अच्छी आती है कड़ी पत्ता डालने हमें। अब हमें ये सब्जी डालना है, गाजर, तुरई, भिंडी। गरम मसाला, थोड़ा सा नमक, अजवाइन।
अब दोस्तों हम ये स्टीम गैस करके इसे पकने छोड़ देते हैं। देखिए दोस्तों ये बनने लगी है, इसे एक बार हमने चला दिया है, थोड़ा और इसे पकने देंगे। तो ये हमारी सांभर की सब्जी तैयार है और हमारी दाल भी तैयार है। अब हम इसे उतार लेते हैं और ये डाल लेते हैं। देखिए हमारी सांभर तैयार है, हमने नारियल, लहसुन, मूंगफली और भुने हुए चना इसे पीस लेते हैं। अब हम चटनी के लिए थोड़ा तेल डालते हैं, गैस को तेज कर लेंगे। तेल गर्म हो जाने पे थोड़ा जीरा, कड़ी पत्ता, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और थोड़ी सी राई, सरसों, इन सबको हम चटनी में फ्राई कर लेंगे। चटनी में डालने वाला मटेरियल हमारा तैयार है, अब हम चटनी पीसने जाते हैं। इसके पीसने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों हमारी सांभर और चटनी दोनों तैयार है। देखिए दोस्तों डोसा के लिए हमारा बैटर तैयार है, देखिए काफ़ी अच्छा उठा है। फ्रेंड ये हम मसाला बनाया है हमने, इसमें डाला है जीरा, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, टमाटर, आलू, प्याज, ये देखिए। अब इसमें इसे हम सारा मिक्स कर लेते हैं। और इसमें थोड़ा नमक, थोड़ी लाल मिर्च भी डाली है। और ये हम धनिया काट के डाल रहे हैं, ये देखिए। और अब हम इसे चला लेते हैं। डोसा बनाने के लिए हमने प्याज काट के रखा है और ये कटोरी में तेल। अब इस तेल को डुबा के हम इसमें लगाते हैं। इसके ऊपर से तेल डालें ताकि नीचे जाए। देखिए ये ऐसे फूट रहा है अपने आप। इसे पलट लिया है, अब हम इसमें मसाला भरेंगे। देखिए ऐसे फैला लें। ये मसाला डोसा तैयार है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।